शायद बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इनका चेहरा अभी तक टीवी में या फिर मोबाइल में नहीं देखा हो, चाहे वो किसी भी उम्र के हों। हर किसी ने इन्हें कहीं न कहीं जरूर देखा होगा, टीवी में चाइल्ड एक्टर के रूप में, टीवी सीरियल में या फिर वेब सीरीज में। देवों के देव महादेव में पार्वती के बचपन का रोल इन्होंने किया था। 7 साल की उम्र से ही टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू कर दिया और कई टीवी सीरियल्स किए। इतनी कम उम्र में बड़ी बड़ी कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। इनकी जीवन के कुछ अनसुने पहलू को देखते हैं। इनका नाम है अनुष्का सेन। लाइक और सब्सक्राइब करें। 4 अगस्त 2002 को रांची के झारखंड में एक बंगाली परिवार में इसका जन्म हुआ, पर पली बड़ी मुंबई में। मुंबई में इनकी पढ़ाई हुई, कॉमर्स में ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया। बचपन से एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग का बहुत शौक था, जिसकी वजह से क्लासिकल सिंगिंग की ट्रेनिंग ली बचपन में। जब छोटी थी तो स्कूल के फंक्शंस में डांसिंग, एक्टिंग वगैरह किया कर डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर शो में ऑडिशन दिया था। फाइनल राउंड तक गई पर किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। 2009 में जब सिर्फ 7 साल की थी, तभी जी टीवी के सीरियल यहाँ मैं घर घर खेली के लिए इन्हें ऑफर मिला, पर इनके पिता का कहना था इतनी छोटी बच्ची है, शायद इससे एक्टिंग नहीं हो पाएगी। पर जी टीवी वालों ने कहा हम इससे एक्टिंग करवा लेंगे, सिर्फ लुक टेस्ट से ही इनको सेलेक्ट कर लिया गया। पर उस सीरियल में अपनी एक्टिंग से सबको हैरान कर दिया, एक छुपा टैलेंट जो खुलकर सबके सामने आया। इनकी पॉपुलरिटी से देवों के देव महादेव पे चाइल्ड एक्टर के रूप में पार्वती के बचपन का रोल करने को ऑफर हुआ। पार्वती का रोल करके भी खूब प्रशंसा बटोरी और सबके दिलों पे छा गए। उनके बाद उन्हें एक शो मिला जिससे वो बहुत पॉपुलर हो गई, वो था बालवीर। बच्चों के टीवी शो बालवीर में मेहर का किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया। फिर झांसी की रानी में लीड रोल करने का मौका मिला। उन्होंने कहा ये एक चुनौती भरा रोल था उनके लिए, इनके लिए उन्होंने अपनी जी जान लगा दी और बहुत ही अच्छी एक्टिंग से फिर एक बार सबके दिल में अपनी जगह बनाई। बहुत छोटी उम्र से ही कई एड फिल्मों में काम किया, पर उन्होंने एक बार बताया था कि धोनी के साथ किया गया एड में सबसे ज़्यादा उन्हें मज़ा आया, तभी से धोनी ही उनके बहुत फेवरेट हो गए। धोनी चाचा कहकर उन्हें बुलाया। एमएस धोनी के साथ अनुष्का ने कई एड्स, इतनी कम उम्र में कई बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे ओरिएंट, इलेक्ट्रिक, लाइकी जैसे कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर बन गई, जो खुद में एक बहुत बड़ी बात है इतनी कम उम्र के लिए। रिलेशनशिप के लिए कई बार कईयों के साथ चर्चा में रही, पर अभी वो सिंगल हैं और अपने फ्यूचर पर फोकस कर रही हैं। इनकी बेस्ट हॉबी किताबें पढ़ना है। अनुष्का के फेवरेट टीवी शोज बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी में से खतरों के खिलाड़ी 11 में खतरों के खिलाड़ी का हिस्सा बनकर खूब सुर्खियां बटोरी। अनुष्का सेन अपने पापा के सबसे बड़े फैन हैं। उनका कहना है जब भी टैटू बनवाएंगी तो अपने बाएं हाथ में पापा से लिटिल एंजल लिखवाएंगी, जैसे प्रियंका चोपड़ा ने लिखवाया था। अनुष्का सेन एक मिडिल फैमिली से निकलकर अपने सपनों को साकार किया और इतने कम उम्र में इतनी बड़ी पॉपुलरिटी हासिल की। आने वाले इमर्जिंग बच्चों और युवाओं के लिए एक सीख है। हम उनके अच्छे और सफल भविष्य की कामना करते हैं। उम्मीद है इनकी कहानी से कईयों को मोटिवेशन मिला हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।